संजय दत्त की बायोग्राफी आने वाली है, संजू नाम है फिल्म का। ट्रेलर टीजर अब तक धमाकेदार रहा है, लेकिन जहां तक बात है संजय दत्त की, तो उनके जीवन की एक अहम कहानी रही है माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर की। अब तक माना जा रहा था कि माधुरी और संजय के रिश्तों की कहानी भी फिल्म संजू में देखने को मिलेगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक माधुरी दीक्षित ने फिल्म से कुछ सीन कटवा दिए हैं। जी हाँ, फिल्म से सीन ही हटवा दिया माधुरी दीक्षित ने। क्या है पूरा माजरा, कौन सा है वो सीन, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल। फिल्म संजू 29 जून को सिनेमाघरों में हाजिरी लगाने वाली है। सूत्रों की माने तो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को लेकर भी एक सीन शूट किया गया था, जिसे माधुरी ने फिल्म से हटवा दिया है। दरअसल फिल्म में संजय दत्त के जीवन के अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अब तक खबर थी कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार देखने को मिलेगा, पर अब बात सामने आई है कि माधुरी दीक्षित से संबंधित सीन्स को फिल्म से निकाल दिया गया है। माधुरी दीक्षित संजय के साथ अपने रिश्ते की हकीकत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुद संजू फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से कहकर एक खास सीन को आउट करवा दिया। अब वो सीन कौन सा है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फिल्म का एक सीन जिसमें संजय दत्त जेल से एक एक्ट्रेस को कॉल करते हैं, ये एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है। ये कहानी भी सब लोग जानते हैं कि संजय ने जेल से माधुरी को कॉल किया था, माधुरी ने फोन काट दिया था, और उसके बाद संजय काफी डिप्रेशन में चले गए थे, उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। पर इस सीन के मुताबिक फोन अभिनेत्री की माँ उठाती है और कह देती है कि अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। माधुरी ने इसी सीन को फिल्म से हटवा दिया है, राजकुमार हिरानी से कहकर सीन को कटवा दिया है। बता दें कि 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का अफेयर परवान चढ़ा था, लेकिन संजय के जेल जाने के बाद ही दोनों के रिश्ते टूट से गए। उसके बाद संजय दत्त काफी गमजदा थे, पर फिलहाल तो माधुरी ने ये सीन कटवा दिया है फिल्म से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।